সকলাম ইসাই
فاستغفر الله من أن يتفرق فقال لي ولد والله خذ أخاك شيئا ولا تخشيتهما رب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد وجل. मोमिन ग्राम अक्सर इस दुआ के ऊपर हम तवज्जा नहीं होते जो हदीसी मिसा के आखिर के अंदर है कि जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम ने मोमिन के लिए वो खुशी की खबर भेजी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से बताया कि जिस महफिल के अंदर ये हदीसी मिसा पढ़ी जाएगी तो उस महफिल का क्या मकाम होगा। तो हमारे यहाँ मौलाना अली अफजल दहलवी साहब मौलाना सोयम की मजलिस पढ़ रहे थे तो उन्होंने हदीस के हिसाब से मजलिस पढ़ी तो आखिर में मैंने उनसे ये कहा कि कुल्ला ये जो आखिर का दुआ का सिलसिला है इसमें कियों की कामयाबी मोमिन की कामयाबी के बारे में जिक्र है तो उन्होंने बड़ा खूबसूरत जुमला कहा कि हजरत अली ने अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ दो जगह कसम खाई रब्बे काबा की। सुभान अल्लाह। एक तब जब वो शहीद हुए उसको में रब्बुल काबा की कसम में कामयाब हो गए और एक कहते हैं दूसरी कसम जब रसूल अल्लाह ने ये खुशखबरी दी मोमिन को कि हदीसे किसा पढ़ने का और सुनने वालों का क्या अजर है तो उसके बाद मौला अली अलैहिस्सलाम ने कसम खाई रब्बे काबा की। रब्बे काबा की कसम आज मैं मेरे शिया और मेरे मानने वाले कुल्ले فقال علي رضي الله عنه فضل وسعيد وكذلك شيخنا فاضل وسعيد في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد.